हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब एंड इट्स टाइप्स वर्ब क्या होती हैं वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन वो वर्ड्स जो कोई काम हो रहा है कौन सा काम हो रहा है उसे डिस्क्राइब करें और ये बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं फनाइट वर्ब्स एंड नॉन फनाइट वर्ब्स और इन्हें आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है जैसे फनाइट वर्ब्स को आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्रिंसिपल वर्ब लिंकिंग वर्ब अगजलरी वर्ब अगजली वर्ब के फिर से दो पार्ट्स हैं प्राइमरी एंड मॉडल। अगर हम बात करें नॉन फनाइट वर्ब्स की इसके भी तीन पार्ट्स हैं इन्फिनेटिव जीरेंड एंड पार्टिसिपल पार्टिसिपल के फर्दर थ्री पार्ट्स और हैं सबसे पहले हम बात करते हैं फनाइट वर्ब्स की इट इज़ द वर्ब दैट चेंज इम अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सन्टेंस ये वर्ब्स जो हैं ये अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं ठीक है थीके? और इसी सेंटेंस की मेन वर्ब भी कहा जाता है इसकी फर्स्ट टाइप है प्रिंसिपल वर्ब It is a verb that provides information and is used to express action. हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सेंटेंस के बारे में और एक्सप्रेस होती है एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती है कि कौन सा एक्शन हो रहा है और इसे मेन वर्ब बोला जाता है जैसे ही गेव मी अ बुक यहाँ पे देने का एक्शन हो रहा है तो गेव मेन वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब है शी टेल्स मी अ स्टोरी स्टोरी सुनाने का तो टेल्स हमारी क्या होगी मेन वर्ब होगी अगर हम बात करें लिंकिंग वर्ब्स की तो इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू द वर्ड और फ्रेज ये क्या है जो सब्जेक्ट है उसे कनेक्ट करती है बाकी फ्रेज के साथ ही लुक्स हैप्पी यहाँ पर जो वर्ड है लुक्स वो ही को हैप्पी के साथ कनेक्ट कर रहा है दे आर स्टूडेंट वर्ड आर जो है वो दे को स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है और सेंटेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में तो ये हमारी क्या होंगी लिंकिंग वर्ब एक्जरी वर्ब्स होती हैं वर्ब्स दैट आर यूज टू हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद टेंस और मूड ये अगजलरी वर्ब्स हेल्प करती हैं हमारी मेन वर्ब की टेंस के अकॉर्डिंग उसके मूड को एक्सप्रेस करने में ठीक है और ये टू पार्ट्स में डिवाइड की गई है प्राइमरी एंड मडाल प्राइमरी वर्ब्स कैसी होंगी बी इसमें आएगा इज एम आर डू में आएगा डू डज डेड और हैव में कंसिडर होगा हैज़ हैव हैड हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं और मडाल्स में आते हैं ये वर्ड्स जो यूज होते हैं मेन वर्ब के मूड को इंडिकेट करने के लिए ठीक है और इसमें आते हैं कैन कुड मे माइट नेक्स्ट आती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स इट इज़ अ वर्ब दैट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द पर्सन ये पर्सन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना ही टेंस के मूड से इसको कोई फर्क पड़ता है ये नाउन एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह रिएक्ट करती हैं इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव क्या होता है एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फ्रॉम दैट एक्ट्स एज अ नाउन एन एडजेक्टिव ये इन्फिनेटिव वो वर्ड होते हैं जो एक्ट करते हैं एडजेक्टिव की तरह या फिर एडवर्ब की तरह या फिर नाउन की तरह और ये बनते कैसे हैं टू प्लस बेस ऑफ द वर्ब जैसे ही लाइक्स टू स्विम यहाँ पे लाइक्स मेन वर्ब है और टू स्विम हमारा क्या है इन्फिनेटिव है शी लव्स टू इट डिलीशियस फूड यहाँ पे टू इट हमारा इन्फिनेटिव है और जो लव है वो हमारी क्या है मेन वर्ब है अगर हम बात करते हैं जीरेंट्स की तो आ जीरेंट इज़ अ वर्ड दैट इज़ फॉर्म विद अ वर्ब बाय एडिंग आई एन जी एंड एक्ट्स एज अ नाउन ये जो मेन वर्ब होती है उसमें आई एन जी एड करके जीरेंट्स बनते हैं और ये एक सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करती है जैसे स्विमिंग प्लेइंग डांसिंग आई लाइक स्विमिंग यहाँ पे स्विमिंग नाउन की तरह एक्ट कर रहा है आई गो फॉर प्लेइंग प्लेइंग नाउन की तरह एक्ट कर रहा है अगर हम बात करें पार्टिसिपल्स की इट इज़ अ वर्ड दैट इज फाउंड फ्रॉम अ वर्ड एंड एक्ट एज अ वर्ब ये एक वर्ड से बनते हैं और वर्ब की तरह एडजेक्टिव की तरह या फिर एडवर्ब की तरह उसमें एक्ट करती हैं इसके थ्री पार्ट्स हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का सबसे पहला वो क्या होता है बेस ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी बेस ऑफ द वर्ब लगेगी साथ में लगेगा आई एन जी और एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल्स की तो इसमें होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और परफेक्ट पार्टिसिपल में लगता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल देख लेते हैं ही टुक्स फूड ही वेंट टू स्कूल उसने खाना लिया और चला गया अगर हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह बनाएं तो क्या बनेगा हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल तो ये थी हमारी वीडियो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना